सो आज फिर से मैं ब्लॉग कर रही हूँ और आज आपको बता दूँ कि आपके कमेंट्स भी अब आ रहे हैं, सो मुझे इंटरेक्ट करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है, मेरी शुरुआत है, तो आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, तो बीच में मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई कुछ ऐसे, ड्राई फ्रूट्स लिया मैंने सबसे पहले, एंड उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स का एक अच्छा खासा प्लेट लिया, एंड उसके बाद फिर थोड़ी बहुत भूख लग रही थी मुझे फिर भी खाने के बाद भी, तो मैंने ब्रेड बटर ले लिया था, एंड उसके बाद फिर राजमा बनाया मैंने, एंड आलू और स्प्रिंग अनियन के कॉम्बिनेशन में मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी, काफ़ी टेस्टी थी वो, एंड दाल मैं कंपलसरी बनाती हूँ तो बना दिया था, एंड उसके बाद फिर रियांश का अर्बन क्लैब के साथ अपॉइंटमेंट था हेयर कट के लिए, सो मैंने प्रॉपर वहाँ पे टाइम दिया, एंड उसके बाद फिर रियांश कुछ ऐसा लग रहा था क्योंकि हमें कहीं जाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसकी तैयारी भी चल रही है, हेयर कट कुछ स्पेशल था, एंड उसके बाद फिर मैंने ये नारियल पानी पिया क्योंकि आजकल डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अपने पेट को थोड़ा ठंडा रखना है, सो नारियल पानी कर्ड स्पेशली मैं ले रही हूँ आजकल। सो उसके बाद फिर मैंने ये फ्राइड राइस बनाया जिसमें अगेन मैंने स्प्रिंग अनियन एंड कैरेट डाला था, ये भी काफ़ी अच्छी बनी थी, एंड इसका कलर से आप समझ सकते हो ये कैसी बनी थी, एंड उसके बाद फिर राजमा देख सकते हो मैं सबको सर्व करने लगी थी, एंड दाल इसके साथ कंपलसरी नहीं था बट मैंने बना दिया था क्योंकि खाना ज़रूरी होता है पीना, एंड उसके बाद फिर मैंने ये कर्ड लिया था, मैंने बताया था ना आपको कि डॉक्टर ने मुझे बोला है, एंड उसके बाद फिर कुछ फ्रेंड्स आ गए थे मेरे घर पे जो कि सोसाइटी की ही मेरी फ्रेंड्स हैं, एंड काफ़ी मज़ा आ गया था उनके साथ बात करके क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो घर पे आए थे, ऐसे तो हम मिलते रहते हैं पार्क में लेकिन घर पर वो काफ़ी दिनों के बाद आए थे, सो मज़ा आ गया था, सो काफ़ी देर बातचीत चली हमारी, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने फ्रेंड्स को सर्व किया था, एंड उसके बाद फिर ढेर सारी बातचीत करने के बाद हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटो एंड वीडियोस बना रहे थे, एंड ये है मेरी फ्रेंड की क्यूटी पाई डॉटर जो कि मेरी फेवरेट है, एंड अब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग, क्योंकि आप लोग आजकल अनबॉक्सिंग वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो आज का अनबॉक्सिंग वीडियो ये है, और इसमें है येलो कलर का सूट, एंड इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ही शानदार है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा था कलर भी, और ये जो अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है उसमें आप ले सकते हो, इसका जो दुपट्टा था ना उसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो सेकेंड मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाना जा रही हूँ वो है एक शूज़, वाइट कलर की शूज़ है ये, बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, एंड किसी भी ड्रेस पे, किसी भी चीज़ पे आप पहन सकते हो इसे ईजली, एंड इसके जो दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे मिंत्रा से, और दोनों चीज़ें मैंने मिंत्रा से ही बाय की है, तो इसके दो कलर थे, एक पिंक में एंड एक वाइट में, तो मुझे वाइट पसंद आया क्योंकि ये हर ड्रेस पे चला जाएगा, एंड गर्लिश लुक के लिए गर्ल्स आप लोग पिंक भी में भी जा सकते हो, पिंक भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट मेरी प्रेफरेंस वाइट थी इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया, ये बहुत ही लाइट वेटेड है, प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा था, ये मुझे अप्रॉक्स 750 अराउंड में मिल गया, और काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी अभी, इस वजह से भी ये कम प्राइस में, अदरवाइज़ इसकी प्राइस हाई है। तो अब 5 बज गए हैं और ये टी टाइम है, सो मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, आज तो हस्बैंड भी घर पे हैं, सो मैं अभी सो के उठी थी,
एंड सो के उठने के बाद थोड़ा लेजीनेस फील हो रहा था, सो चाय एक अच्छा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। सो उसके बाद फिर मैं रिकी को लेकर के पार्क चली गई थी। एंड रिकी अपने फ्रेंड्स के साथ जनरली इस टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ ही होता है और काफ़ी इंजॉय करता है। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हूँ विक्की के साथ साथ। एंड ये जो आप देख रहे हो ये मेरी 3 फ्रेंड है और घर पे जो आई थी वो 2 फ्रेंड हैं। तो ये जो हैं वो सोनिया हैं एंड नेक्स्ट पोनीता हैं और ये है शिवानी और घर पे जो आई थी वो श्वेता और मीनाक्षी थी और एक और है जो निकिता है वो नहीं आई है आज, तो उससे भी कभी मैं आपको मिलवा ही दूंगी। तो हम लोग साथों अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ ग्रीन ग्रास पे वॉक करके अपना स्ट्रेस को भी कम कर लेते हैं। सो उसके बाद फिर मैं गई थी डिनर करने एंड डिनर पे मेरे हस्बैंड ने ये मंगवाया था अफ़गानी चिकन एंड बटर चिकन मसाला एंड उसके बाद फिर 2 तरह के नान उन्होंने मंगवाए थे जिसमें एक तो स्टफ नान था और एक प्लेन नान था, प्लेन बटर नान था। तो ये था और उन्होंने सैलेड में प्याज और ग्रीन चटनी दिया था, तो ये था। और लास्टली मैंने देखा कि एक पैकेट और भी है जिसमें उन्होंने फ्री में सैंडविच दिया था और ये सैंडविच ककुम्बर एंड कैरेट सैंडविच था जो कि मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि हम लोग अभी सैंडविच के मूड में नहीं थे खाने के। आप देख रहे हो कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कितना यमी लग रहा है देखने से ही, तो खाने में ओहो क्या बताऊँ क्या था ये। तो हम लोगों ने उसके बाद फिर प्लेट लगाया एक्चुअली मैंने एंड पहले तो हस्बैंड को दिया एंड उसके बाद फिर हस्बैंड को देने के बाद मैंने अपना और रिकी का एक साथ प्लेट लगाया क्योंकि रिकी बहुत नींद में था और शायद वो नहीं खाता, लेकिन चिकन उसका फेवरेट है एंड वो मॉर्निंग में बहुत मिस करता है, इसलिए मैंने उसे एक बार नींद से जगाया और वो उसने बोला कि वो खाएगा। तो फिर मैंने उसे अपने प्लेट में ही खिलाया और केवल उसने चिकन खाया, बाकी नान उसने नहीं खाया। और यहाँ देख सकते हो आप प्याज में हरी चटनी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही यमी खाना था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करो और देखो। अभी देखा कि मेरा जो रूटीन था वो क्या रहा, आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। सो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हो, कुछ हटके देखना चाहते हो या जो भी आइडियाज़ आपके मन में हैं, क्योंकि मैं राइट डायरेक्शन पे अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे वीडियोस देखने में और मुझे भी बनाने में बहुत मज़ा आए। सो मैं उस तरह के वीडियोस ही आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।